स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आरडी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 12 मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 12.2 लेवल सेकंड क्वेश्चन नंबर 48 अ सीक्वेंस x0, x1, x2, x3... इज डिफाइंड बाय लेटिंग x0 = 5 एंड xk = 4 + xk - 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर k सो दैट xn is equal to 5 plus 4n for all n belongs to natural number using mathematical induction. देखिए एक sequence दिया हुआ है आपको जिसमें x0 is equal to 5 value है और xk की value 4 plus xk minus 1 है for all natural number k के लिए. K natural number है तो हमको prove करना है कि xn is equal to 5 plus 4n for all n belongs to natural number by using mathematical induction. तो mathematical induction से इसको prove करने के लिए सबसे पहले जो अपने को प्रूफ करना है xn is equal to 5 plus 4n इसको मैं p of n के इक्वल कंसीडर कर लेता हूं. उसके बाद pmi की बेसिक स्टेप मैं फॉर n is equal to 1 के लिए p of 1 को प्रूफ करेंगे और उसके बाद pmi की इंडक्टिव स्टेप में p of n को n is equal to k के लिए ट्रू सपोज करेंगे और p of n को n is equal to k plus 1 के लिए या p of k plus 1 को ट्रू प्रूफ करेंगे. ऐसा करने से p of n जो है वो ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू प्रूफ हो जाएगा. चलिए लिखते हैं इसको p of n के इक्वल लेट p of n सच दैट जो प्रूफ करना है वो xn इज इक्वल टू 5 plus 4n ये गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैंने p of n के इक्वल कंसीडर कर लिया. अब pmi की बेसिक स्टेप बेसिक स्टेप में फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर n इज इक्वल टू 1 इसमें n के प्लेस पे 1 रख दो ये हो जाएगा p ऑफ 1 सच दैट x1 इज इक्वल टू 5 plus 4 into n के प्लेस पे 1 व्हिच इंप्लाइज. अब देखिए x1 की वैल्यू अपने को रखना है तो x1 की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे x0 की वैल्यू है यहाँ xk दिया है तो अगर अपन यहाँ पर k के प्लेस पे दोनों साइड में 1 रख दे तो ये x1 की वैल्यू आ जाएगी. तो मैं x1 की ये वाली वैल्यू रख देता हूँ यहाँ से तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 plus xk के प्लेस पे 1 रख दो 1 minus 1 इज इक्वल टू 5 plus 4 1 जा 4 इसको सॉल्व करेंगे ये 4 प्लस ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये x 0 हो जाएगा. x 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 व्हिच इंप्लाइज 4 प्लस अब x 0 की वैल्यू ये गिवन है हमको क्वेश्चन में x 0 इज इक्वल टू 5 यहां से रख दो तो ये 5 इज इक्वल टू 9 व्हिच इंप्लाइज 4 प्लस 5 9 इज इक्वल टू 9 देखो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया. इसका मतलब यह है कि p of 1 is true. Therefore, p of 1 is true. ये हमने pmi की बेसिक स्टेप को प्रूफ कर दिए. अब इसके इंडक्टिव स्टेप लेते हैं. इंडक्टिव स्टेप इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ एन को एन इजिकल टू के लिए ट्रू सपोज करते हैं और एन इजिकल टू के प्लस वन के लिए पी ऑफ के प्लस वन को ट्रू प्रूफ करें. लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इजिकल टू के दैट इज इस स्टेटमेंट में एन के प्लेस पे के रख दो ये हो जाएगा पी ऑफ के सच दैट एक्स एन के प्लेस पे के रखना है is equal to 5 plus 4n है तो 4k हो जाएगा n के प्लेस पे k रखना है. लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 दैट इज इसमें k के प्लेस पे k प्लस 1 रख दो या n के प्लेस पे k प्लस 1 रख दो मैं ये k के प्लेस पे k प्लस 1 रख देता हूं तो ये हो जाएगा p ऑफ k प्लस 1 सच दैट x k है k के प्लेस पे k प्लस 1
एस इक्वल टू फाइव प्लस फोर के है और के के प्लस पे के प्लस वन रखते। देखिए ये है पी ऑफ के प्लस वन, एक्स के प्लस वन इजिकल टू फाइव प्लस फोर इंटू के प्लस वन, ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एक कंडीशन अपने को दी हुई है एक्स के इजिकल टू फोर प्लस एक्स के माइनस वन, इसको ले लेते हैं हम और इसकी हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। k के प्लेस पे k प्लस वन रख देंगे तो इधर आपका x k प्लस वन, ये p ऑफ k प्लस वन का लेफ्ट साइड आ जाएगा और राइट साइड पर आ जाएगा सॉल्व करने से। और इसको प्रूफ करने के लिए अपन ये जो अपना इक्वेशन फर्स्ट अपन ने बना के रखे हैं एक्स के इजिकल टू फाइव प्लस फोर के, इसका भी यूज कर लें। तो अभी ये जो गिवन कंडीशन है इसको ले रहा हूं। नाउ एक्स के इज इक्वल टू फोर प्लस एक्स के माइनस वन, ये एक्स के दिख रहा है और अपने को पी ऑफ के प्लस वन में एक्स के प्लस वन चाहिए तो दोनों साइड में के प्लस पे के प्लस वन रख देता हूं तो ये वाला लेफ्ट साइड आ जाएगा अपना और फिर राइट साइड भी आ जाएगा। तो विच एम्प्लाइज एक्स के प्लेस पे के प्लस वन रख दिए इज इक्वल टू फोर प्लस एक्स के प्लेस पे के प्लस वन रखे और ये माइनस वन, इसको सॉल्व करो नेगेटिव वन पॉजिटिव वन गेट्स कैंसल्ड, विच एम्प्लाइज एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू फोर प्लस एक्स के। अब देखिए ये एक्स के आ गया है यहाँ पर और एक्स के की वैल्यू अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट से फाइव प्लस फोर के, इसको रख देते हैं। तो विच एम्प्लाइज एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू फोर प्लस एक्स की वैल्यू है फाइव प्लस फोर के, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू लिखा है फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से हमने ये वाली वैल्यू रख दी एक्स के इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर के। अब अपने को जो चाहिए उसमें राइट साइड में फाइव चाहिए और फोर के प्लस वन, फाइव को पहले लिख देते हैं फोर और फोर के में से फोर को कॉमन निकाल देते हैं। विच एम्प्लाइज एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू फाइव को लिख दिए प्लस फोर कॉमन निकाल लेते हैं, फोर के में से फोर निकालेंगे तो के और ये वाले फोर में से फोर निकालेंगे तो प्लस वन। देखो ये अपना एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर के प्लस वन आ गया, यही अपना पी ऑफ के प्लस वन था। तो therefore p of k plus 1 is true, हमने p of k को true suppose किए थे और p of k plus 1 को true prove कर दिए, तो hence by PMI p of n is true for all n belongs to natural number, hence by PMI p of n is true for n belongs to natural number। बस ऐसे ही आपको इसको PMI की आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूफ करना, ठीक है। चलिए देखिए लेवल सेकंड का 49 नंबर का क्वेश्चन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट अंडर रूट n इज लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अप टू डॉट डॉट 1 अपॉन अंडर रूट n फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए हमको PMI की हेल्प से ट्रू प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन स्टेटमेंट को P ऑफ n के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, लेट P ऑफ n सच दैट अंडर रूट n इज लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस वन अपॉन अंडर रूट एन। ये हमने गिवन स्टेटमेंट को पी ऑफ एन के इक्वल ले लिए। अब इसकी बेसिक स्टेप में एन इज इक्वल टू टू के लिए लेंगे क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो हमको एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए प्रूव करना है। तो बेसिक स्टेप फॉर एन इज इक्वल टू टू और n इज इक्वल टू टू, यहाँ पर n के प्लेस पे 2 रख देते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए, यहाँ पर n के प्लेस पे 2 रख देंगे और यहाँ से फर्स्ट टू टर्म लेंगे 1 अपॉन रूट 1 और 1 अपॉन रूट 2। पी ऑफ 2 सच दैट अंडर रूट n n के प्लेस पे 2 इज लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। एन इज इक्वल टू 2 के लिए आपको केवल ये दो टर्म लेना और इधर हमने n के प्लेस पे 2 रख दिया। इसको सॉल्व करते हैं
विच एम्प्लाइज रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, और भी होगी बहुत सारे डिजिट तक, हमने केवल तीन डिजिट तक लिखे हैं, 1.414 इज लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 है, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 होती है, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 अपॉन रूट 2 है, इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ मैं रूट 2 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड, सो विच एम्प्लाइज 1.414 इज लेस देन 1 प्लस ऊपर रूट 2 हो गया, ऊपर रूट 2 की वैल्यू रख देते 1.414 और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, विच एम्प्लाइज 1.414 इज लेस देन 1 प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 टाइम, फिर ये 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा दिए, ब्रिंग डाउन 4 तो 27 जा 14, 0.707 इसको 1 में प्लस कर दो, विच एम्प्लाइज 1.414 इज लेस देन 1.707, देखो 1.414 जो है 1.707 से लेस है, तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है, therefore P of 2 is true, ये हमने PMI की बेसिक स्टेप n is equal to 2 के लिए P of 2 को ट्रू प्रूव कर दिया। अब PMI की इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप में P of n को n is equal to k के लिए ट्रू सपोज करेंगे और P of n को n is equal to k plus 1 के लिए या P of k plus 1 को ट्रू प्रूव करेंगे, तो लेट P of n बी ट्रू फॉर n is equal to k, दैट इज इसमें n के प्लेस पे k रख दो, ये हो जाएगा P of k such that अंडर रूट एन है तो एन के प्लेस पे के रखना है, अंडर रूट के इज लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन, एन के प्लेस पे के रखना है, इसको इनइक्वालिटी फर्स्ट दे देते हैं हम, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, देन it must be true for n is equal to k plus 1, that is इसमें k के प्लेस पे k plus 1 रख दो या n के प्लेस पे k plus 1 रख दो, मैं k के प्लेस पे k plus 1 रख देता हूँ, हो जाएगा p of k plus 1 such that under root k है तो under root k plus 1 हो जाएगा, is less than 1 upon under root 1 plus 1 upon under root 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन अंडर रूट k के प्लेस पे k प्लस 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट k प्लस 1, ये अपना p ऑफ k प्लस 1 है, ये अपने को प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए तो हम क्या करते हैं कि ये इन इक्वेशन फर्स्ट जो अपना है इसको ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके अपन इसको प्रूव करेंगे, तो फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, इन इक्वेशन फर्स्ट को अंडर रूट के इज लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के, वही है ये फर्स्ट को लिख दिया मैंने इन इक्वेशन को। अब देखिए जो अपने को प्रूव करना है उसके राइट साइड में पी ऑफ के प्लस वन के राइट साइड में 1 अपॉन अंडर रूट के प्लस 1 है और इसके राइट साइड में 1 अपॉन अंडर रूट के है, तो हम क्या करते हैं कि जो लास्ट टर्म आपको दिख रही है ये वाली 1 अपॉन अंडर रूट के प्लस 1 इसको दोनों साइड में ऐड कर देते हैं, तो ये पी ऑफ के प्लस 1 का राइट साइड आ जाएगा और फिर ये लेफ्ट साइड भी आ जाएगा, एडिंग 1 अपॉन अंडर रूट के प्लस 1 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में ऐड कर दो इसको, तो यहाँ ऐड कर दो पहले 1 अपॉन अंडर रूट के प्लस 1 प्लस अंडर रूट के इज लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2
plus 1 upon under root 3 plus up to dot dot plus 1 upon under root k, और इसमें भी plus कर रहे हैं 1 upon under root k plus 1. ये 1 upon under root k plus 1 को हमने दोनों साइड में ऐड कर दिए. इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. यहाँ पे LCM ले लो, under root k plus 1 LCM आ गया. इससे divide करें तो 1, 1 का into करेंगे तो 1 plus इसके अपॉन में 1 से डिवाइड है, अंडर रूट के प्लस 1 का अंडर रूट के में इनटू करेंगे और एक ही अंडर रूट में लिख देते हैं उसको. इसमें के का इनटू कर लो के प्लस 1 में, तो ये के स्क्वायर प्लस के हो जाएगा. इस अंडर रूट में इनटू करें, एक ही बार अंडर रूट रखा है, के का इनटू के में के स्क्वायर और के का इनटू 1 में प्लस के. इज लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस. देखो ये लास्ट टर्म है और इसकी प्रीवियस टर्म ये वाली. के के प्लस पे के माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर आ जाता है. मैं इसको छोड़ देता हूँ और इसको लिख दो 1 अपॉन अंडर रूट के प्लस वन. अब देखो ये अपना राइट साइड आ गया. पी ऑफ के प्लस वन का राइट साइड 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अप टू डॉट डॉट 1 अपॉन अंडर रूट के प्लस वन. ये राइट साइड आ गया अपना. अब ये लेफ्ट साइड में अपने को अंडर रूट के प्लस वन लाना है इसके प्लेस पे. तो इसको थोड़ा सा अपन लॉजिकली सॉल्व करेंगे. सेंस अंडर रूट के स्क्वायर इज लेस देन अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के. देख मैंने सिर्फ अंडर रूट के स्क्वायर लिया है, ये वाली वैल्यू अपने लेस देन का साइन चाहिए तो किससे लेस होगी, ये वाली क्वांटिटी से, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के से. क्योंकि इसमें के स्क्वायर और इसमें के स्क्वायर में ये के कोई नेचुरल नंबर ये ऐड हो रहा है और फिर इसका अंडर रूट आएगा, तो ये वाली क्वांटिटी जो है वो इससे लेस हो. तो के स्क्वायर इज लेस देन अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के. मैंने सिर्फ के स्क्वायर लिया, लेस देन किससे, इससे लेस देन लिया है इसको. अब हमको इसको टोटल सॉल्व करके ऐसा बनाना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो. व्हिच एम्प्लाइज ये के हो जाएगा अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो लेस देन ये अंडर रूट में रहेगा के स्क्वायर प्लस के. अपने को ऐसा बनाना है तो ये के स्क्वायर प्लस के अंडर रूट के अंदर प्लस वन चाहिए तो दोनों साइड में वन को ऐड कर दो. ये के प्लस वन इज लेस देन अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के और ये प्लस वन. दोनों साइड में वन ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब इसके अपॉन में अपने को अंडर रूट के प्लस वन चाहिए तो दोनों साइड को अंडर रूट के प्लस वन से डिवाइड कर दो. व्हिच इंप्लाइज ये के प्लस वन अपॉन अंडर रूट के प्लस वन इस लेस देन, इसको भी डिवाइड कर लो, ये अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के प्लस वन अपॉन अंडर रूट के प्लस वन. देखो ये पूरा बन गया अपना योगा. ये अंडर रूट के प्लस वन से ये के प्लस वन को अंडर रूट टाइम कैंसिल कर देता हूँ, के प्लस वन टाइम कैंसिल हो गया. क्यों हो गया, क्योंकि के प्लस वन को अंडर रूट के प्लस वन इंटू अंडर रूट के प्लस वन दो बार लिख सकते, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक अंडर रूट बचेगा. तो ये क्या आ गया अपना, विच एम्प्लाइज अंडर रूट के प्लस वन इज लेस देन अंडर रूट के प्लस के अंडर रूट के स्क्वेयर प्लस के प्लस वन अपॉन अंडर रूट के प्लस वन. देखो हमने एग्जैक्टली इसकी वैल्यू निकाल ली है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, अंडर रूट के प्लस वन से. तो इसके प्लेस पे यहाँ पर अपन इसको रखते हैं, तो देयर पर ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के प्लस वन इज लेस देन अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के, के स्क्वायर प्लस के प्लस वन अपॉन अंडर रूट के प्लस वन. ये लिया मैंने, ये वाली वैल्यू इससे लेस है, ये आ गया आपका, ये वाला यहाँ लिख दिया, और ये किससे लेस है, इससे लेस है. इस लेस देन वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस वन अपॉन अंडर रूट के प्लस वन. अब देखो इसमें तीन पार्ट आ गए, वन टू थ्री. तो अपने को अब ये बीच वाले की जरूरत नहीं, तो इसको छोड़ दो, फर्स्ट वाले को ले लो अंडर रूट के प्लस वन और ये लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अप टू डॉट डॉट 1 अपॉन अंडर रूट के प्लस 1.
तो जो अपने को प्रूव करना है पी ऑफ के प्लस वन ये आ जाएगा, विच एम्प्लाइज अंडर रूट के प्लस वन इज लेस देन वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस वन अपॉन अंडर रूट के प्लस वन, ये आ गया अपना पी ऑफ के प्लस वन. k plus 1 is less than 1 upon under root 1 plus 1 upon under root 2 plus 1 upon under root 3 plus up to dot dot 1 upon under root k plus 1. तो हमने p of k को true suppose करे थे और p of k plus 1 को true prove कर दिए. Therefore p of k plus 1 is true. p of k को true suppose करे थे, p of k plus 1 को true prove कर दिए, तो p of n जो है वो all natural number n के लिए true prove हो जाएगा. Hence by PMI P of n is true for all natural numbers n is greater than or equal to 2. n is greater than or equal to 2 के लिए true true हो गए. Basic step भी अपनी n is equal to 2 के लिए थी, ठीक है. तो ऐसे आप पी ऑफ एन को नेचुरल नंबर एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू के लिए प्रूव करें, ठीक है. चलिए देखिए लेवल सेकंड का वेरी लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 12.2 का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50. द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फ्रॉम एलजेब्रा स्टेट्स दैट फॉर ऑल रियल नंबर सी कॉमा ए वन एंड ए टू वी हैव सी इंटू ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू सी ए वन प्लस सी ए टू. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको दिया हुआ है. यूज दिस लॉ and mathematical induction to prove that for all natural numbers n is greater than or equal to 2 if c comma a1 comma a2 dot dot an are any real numbers then c into a1 plus a2 plus up to dot dot an is equal to c a1 plus c a2 plus up to dot dot c an. देखिए आपको ये distributive law दिया हुआ है, इसकी और mathematical induction की help से n is equal to n is greater than or equal to 2 के लिए आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव प्रूव करना है. तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस जो स्टेटमेंट अपने को प्रूव करना है इसको मैं p of n के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ. लेट p of n such that c into a1 plus a2 plus up to dot dot plus an is equal to c a1 प्लस सी ए टू प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस सी ए एन. ये मैंने गिवन स्टेटमेंट को पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लिया. अब पी एम आई की बेसिक स्टेप में एन इज इक्वल टू के लिए पी ऑफ टू को प्रूफ प्रूफ करेंगे क्योंकि अपने को जो प्रूफ करना है वो एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू के लिए करना. तो देखते हैं इसकी बेसिक स्टेप. बेसिक स्टेप for n is equal to 2, यहाँ पर n is equal to 2 रखते हैं, यहाँ से c into ये first two term ले लेंगे n is equal to 2 के लिए और इधर से भी first two term ले लेंगे. ये हो जाएगा p of 2 such that c into a1 plus a2, दो ही term लेना आपको is equal to, इधर से भी दो ही term लेना है, c a1 plus सी ए टू. अब देखो ये सी ए वन प्लस ए टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सी ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू सी ए वन प्लस सी ए टू ये अपने को क्वेश्चन में गिवन, इसी का यूज कर लेते हैं. विच एम्प्लाइज इसके प्लेस पर रख देते हैं सी ए वन प्लस सी ए टू इज इक्वल टू सी ए वन प्लस सी ए टू एज इट इज, लिख देता हूँ मैं. Hence, C A1 plus A2 is equal to C A1 plus C A2. ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था. अब ये C A1 plus C A2 is equal to C A1 plus C A2 दोनों साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब P of 2 is true. Therefore, P of 2 is true. ये हमने PMI की बेसिक स्टेप को प्रूव प्रूव कर दिया. अब इसके इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप
इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ एन को एन इज इक्वल टू के लिए टू सपोज करेंगे और पी ऑफ एन को एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए या पी ऑफ के प्लस वन को टू पुट करेंगे। एट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दैट इज इसमें आप एन के प्लेस पे के रख दो पूरे स्टेटमेंट से, जो हो जाएगा पी ऑफ के सच दैट P into A1 plus A2 plus up to dot dot plus A, n के प्लेस पे K रखना है, is equal to CA1 plus CA2 plus up to dot dot plus CAK, n के प्लेस पे आपको K रखना है। इसको इक्वेशन वन दे देता हूँ मैं, then it must be true for n is equal to k plus 1, then it must be true for n is equal to k plus 1, that is यहां पर k के प्लेस पे k plus 1 रख दो या n के प्लेस पे k plus 1 रख दो, मैं k के प्लेस पे k plus 1 रख देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका P of K plus 1 such that C into A1 plus A2 plus up to dot dot plus A, K के place पे K plus 1 is equal to C A1 plus C A2 plus up to dot dot plus C A और K के place पे K plus 1। तो ये है P of K plus 1, इसको हमको true proof करना है। तो इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपन ने इक्वेशन फर्स्ट बनाया इसको ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके हम इसको प्रूफ करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट ले लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या है c इंटू ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू डॉट डॉट ए के, c इंटू ए वन प्लस ए टू प्लस dot dot plus ak is equal to ca1 plus ca2 plus up to dot dot plus cak cak, ये ले लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अपने को जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट साइड में ये c है और इंटू ए के प्लस वन, लास्ट टर्म इसकी जो है ए के प्लस वन, तो सी इंटू ए के प्लस वन करके इसमें सी का इंटू करके ये लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी ये वाली, इसको हम दोनों साइड में ऐड कर देते सी का इंटू करते, दोनों साइड में ऐड करने से ये आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा और इधर राइट साइड भी आ जाएगा। तो एडिंग सी इंटू ए के प्लस वन, ये सी का इंटू करे इसमें ए के प्लस वन ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ the sides कर दो इसको दोनों साइड में ऐड, ये हो जाएगा c a1 plus a2 plus up to dot dot plus ak plus c ak plus 1 is equal to c a1 plus c a2 plus up to dot dot c ak plus सी ए के प्लस वन, ये दोनों साइड में मैंने ऐड कर दिया है सी ए के प्लस वन। अब यहां से सी कॉमन निकाल लो, ये सी कॉमन निकालेंगे तो ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस ए के प्लस सी निकल गया कॉमन, यहां से ए के प्लस वन बच जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर ये सी के प्लस वन है सी ए के प्लस वन है, इसकी प्रीवियस टर्म ये वाली इसमें k के प्लस पे k माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर सी ए के आ जाएगा। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ और इसको लिख देता हूँ सी ए वन प्लस सी ए टू प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस सी ए के प्लस वन, इधर भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ से ये a के प्लस वन लास्ट टर्म है इसके, इसमें k के प्लस पे k माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर ये a के आ जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं शुरू की दो टर्म और इसको लिख देते हैं।
which implies c into a1 plus a2 plus up to dot dot plus a k plus 1, ऐसा ये आ गया आपका, is equal to c a1 plus c a2 plus up to dot dot plus c a k plus 1. देखो यही अपना p आप k plus 1 होगा, c a1 plus a2 plus up to dot dot a k plus 1 the left side, और राइट साइड में c a1 plus c a2 plus up to dot dot c a k plus 1. तो हमने p आप k plus 1 को भी प्रूव कर दिया. Therefore, P of K plus 1 is true. P of K को हमने true suppose किए थे और P of K plus 1 को proof कर दिए. तो P of N जो है वो all natural number N is greater than or equal to 2 के लिए proof हो जाएगा. तो hence, by PMI, P of N is true for all natural numbers n is greater than or equal to 2. So ye jo p of n tha wo all natural number n is greater than or equal to 2 ke liye true prove kar diye humne pmi ki help se. To aise aapko isko prove karna hai, theek hai. To is tarah se dekhe aapne ki exercise 12.2 mein pure 50 question the, 50 questions jisme level 1 ke question तो सिंपल थे और लेवल टू के क्वेश्चन भी सिंपल है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट लेवल के या थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के थे, लेकिन हमने बैक टू बैक हर एक क्वेश्चन को परफेक्ट तरीके से सॉल्व किए. तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कीप एंजॉयिंग आवर वीडियोस. प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस. और नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसकी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, ठीक है? ओके बाय.